रानी साकी जय, कुंवर 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 रानी साकी जय। माफ कर दीजिए मुझे, मेरी वजह से आप लोगों की इतनी बेइज्जती हुई। नहीं कुंवर रानी सा, ऐसा मत कहिए। आप हमारी कुंवर रानी सा है, आप हमें पाप का भागीदार मत बनाइए। प्लीज उठिए, इस इज्जत के लायक नहीं हूं मैं। सिर्फ नाम की कुंवर रानी हूं। अगर अपने पद का थोड़ा भी इलाज रखा होता तो आज आप सभी लोगों की यह हालत नहीं होती। कुछ नहीं कर सकती मैं आपके लिए। ऐसा मत कहिए कुंवर रानी सा, अब आप ही तो हमारी आखिरी उम्मीद हैं। हाँ कुंवर रानी सा, एक साल से मोहिनी का जुल्म सह रहे हैं। अपनी तकदीर समझ लिया था हमने इसे, लेकिन आज जब आपको देखा तो आशा की एक किरण जगी है। आप ही हमें मोहिनी के कहर से बचा सकती हैं कुंवर रानी सा। ये उम्मीद, ये आशा सब झूठी है। मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। कुंवर रानी सा, आप वो हैं जिसके आने के बाद तो 500 सालों से बंद वो मंदिर भी खुल गया। आपके महायज्ञ ने न सिर्फ कुंवर सा की जान बचाई बल्कि हमें भी मोहिनी के प्रकोप से बचाया था। लेकिन उन सबका फायदा क्या हुआ? अंत में भी तो मैं हार ही गई ना। हारी नहीं कुंवर रानी सा, आप हारी नहीं थी, आपको छल से हराया गया था। ना आपकी विश्वास में इतनी शक्ति थी कि कुंवर सा भी सारी दिक्कतों से लड़कर उस वज्र को ले आए थे। पत्थर से इंसान बना दिया था आपने कुंवर सा को। मोहिनी के फितरत को जानते हुए भी आपने उसका साथ दिया और उसे हरा दिया। हराया नहीं राजूतिशी, बल्कि उसे शक्ति दी। वो सुहाग की सातों निशानियां देकर उस चुड़ैल को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैंने बनाया, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं राज राजेश्वरी जी का अंतिम संस्कार नहीं करवाती तो। गलती नहीं, अच्छाई, अच्छाई थी आपकी कुंवर रानी सा, जो आपने अपनी प्रजा के लिए, अपने पुरखों की मुक्ति के लिए करवाया था सब कुछ। ऐसी अच्छाई का क्या फायदा राजोतिष जी, जो आपसे आपका प्यार, आपका परिवार, आपके लोग सब छीन ले। अपने काम के साथ साथ मैं अपनी शक्ति भी खो चुकी हूं। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। आज तक कभी सुना है, कभी सुना है कि अंधेरे ने उजाला होने ही नहीं दिया? नहीं ना, पंख नहीं, हौसला चाहिए होता है उड़ने के लिए। राम, आपके पंख थे जो कट गए, लेकिन जो हौसला और हिम्मत आपके अंदर है ना, वो आज भी जिंदा है। सिर्फ उसको सही दिशा दिखाने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। आज तक आपने जो भी किया, अपने परिवार को मोहिनी से बचाने के लिए किया सब कुछ, लेकिन अब बैरामगढ़ को आपकी जरूरत है। उनकी आंखें देखिए, कितनी उम्मीदें जैसे आपका इंतजार कर रही थी। इनकी उम्मीदों को निराश मत होने दीजिए। उठिए। हाँ कुंवर रानी सा,
आपको हमारी मदद करनी होगी। पूरे एक साल बाद एहसास हो रहा है हमारा बहरामगढ़ पहले जैसा हो जाएगा। राम राज्य फिर से स्थापित होगा, हमारे गांव में फिर से खुशियां आएंगी, वो सिर्फ आप कर सकती हैं। आपको लड़ना होगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे बहरामगढ़ के लिए, अच्छाई की जीत के लिए आपको लड़ना होगा। उठिए। बड़ी गलती की मुझ पे हाथ उठाकर मोहिनी, वो भी पूरे गांव के सामने। और क्या करती, उम्र हो गई है तुम्हारी, चीप नशा कर रही हो, जो सौतन इधर उधर नजर आ रही है तुम्हें। नशे में तो तुम हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारा द एंड्स दिखाई नहीं दे रहा है। मानो या ना मानो, सौतन वापस आ गई है। इस बार वो तुम्हें मार के रहेगी। फिर कहना मत कि मैंने तुझे वॉर्न नहीं किया था। रुको, फाइन, इतना कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें, तो चलकर सौतन की कब्र देखते हैं। सोच रही है कुबरानी सा? निकाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते गए। आपका राम अब राम नहीं रहा, रावण हो चुका है। आए दिन वो राक्षस गांव से छोरियों को उठाकर लेकर जाते हैं। आज तक आपने जो भी की मोहिनी से बचाने के लिए, अपने परिवार के लिए, आपको हमारी मदद करनी होगी। आप ही हमें मोहिनी के जुर्म से बचा सकती है कुबरानी सा। आपको हमारी मदद करनी, पूरे बहरामगढ़ के लिए। हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी चिराग आंधियों में जलते रहे। अपने पैरों पर खड़े होके मरना घुटने टेक के जीने से कहीं बेहतर है। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। बहरामगढ़ में बहे हर आंसू, हर दुख, हर शिकन का हिसाब देना होगा उस मोहिनी को। देवी मां ने मेरी सांसें यूं ही नहीं बचाई, वजह थी उसकी, और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। फिर चाहे उसके लिए मुझे मेरे प्यार के खिलाफ ही तलवार क्यों ना उठानी पड़े। और आप अकेली नहीं हैं। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ 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 हैं। तुम्हारी नशे की रियलिटी अभी सामने आ जाएगी। अगर तुमने वो सौतन को देखा होगा तो वो इस बॉक्स में नहीं होगी।
सौतन जिंदा है तो ये मारी मैया का कंकाल है के? मारे मगज ने खिलौना समझ रखे है कि तूने जो खेल रही है बाकी साथ गुस्से में भले ही तू ओल्ड वर्जन्स हो जाती है मोहिनी पर ये मत भूल कि आई एम डीके 2.0 तो पुराने रूप में आए या नए रूप में तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो बिगड़ा है उसे सुधारूंगी भी मैं जो जंग मैंने अधूरी छोड़ी है उसे फिर से शुरू करूंगी मैं लेकिन उससे पहले मुझे पूरा सच जानना है मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे राम को अचानक हो क्या गया है उसका प्यार उसकी इंसानियत उसकी अच्छाई उसकी दया इतनी नफरत और आतंक में कैसे बदल गई जो राम सिर्फ प्यार करना जानता था औरतों की इज्जत करना जानता था आज वो हैवानों की भाषा क्यों बोल रहा है जिस सिया पर जिन लोगों पर उसने एक आंच तक नहीं आने दी आज वो उन्हीं के खून का प्यासा क्यों बना बैठा है बताइए राजोदेशी बताइए क्या हुआ था उस दिन कुरानिसा उस दिन नाप को बंद करने के बाद सिया की सांसों के साथ चला गया राम आज बहरामगढ़ का कुंवर सिसोदिया खानदान का वारिस और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परछाई का अंत करता हूं मैं आज से सारी अच्छाई प्यार दया भावना सबको इस खून के साथ बहाकर प्रवाह करता हूं मैं आज से ये राम सिया का राम नहीं इस मोहिनी का राणा सा होगा आज से राम और सिया की कहानी खत्म मोहिनी और राणा सा की कहानी शुरू आज से मैं सिर्फ तेरा हूं मोहिनी सिर्फ तेरा तेरी सारी बुराई नफरत हैवानियत घृणा द्वेष गुस्सा सब मेरे अंदर जन्म लेगा इस दुनिया का सबसे गंदा इंसान बनकर दिखाऊंगा तुझे दुनिया कांपेगी मुझसे जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को अपने साथ लेकर घुमा हूं मैं आज मैं उसको त्यागता हूं और आज के बाद मैं इस पूरी दुनिया के सामने रावण बनकर घूमूंगा पूरी दुनिया रावण को जलाती है और आज मैं अपने अंदर इस राम को जलाऊंगा तो आप मैंने अपनी आत्मा सौंपने के लिए तैयार हो Thank you.
वादा कीजिए आज से आप हमारी सारी बात मानेंगे। वादा वादा कीजिए आप अपने वचन से कभी ना मुकरेंगे। वादा वादा कीजिए आप मने कभी छोड़ के ना जाएंगे। वादा वादा कीजिए आप वो सौतन ने कभी याद ना करेंगे। वादा वादा कीजिए आप सिर्फ मारे से प्यार करेंगे। वादा वादा कीजिए आप मारे पे आंख मूंद कर विश्वास करेंगे। वादा वादा कीजिए आप अपनी सारी अच्छाई मन ने सौंप देंगे और वो रूप लेंगे जो मैं चाहती हूँ। वादा अच्छाई दे दी जिसके बदले में उस चुड़ैल ने कुवरसा को रावण बनाकर एक नया जन्म दे दिया। वो रावण जिसमें ना कोई इंसानियत है ना दिल ना दया ना प्यार और ना कोई सद्भावना आत्माविहीन शरीर है वे। जानती थी कि ये मेरा राम हो ही नहीं सकता और आज जिस राम की शक्ल मेरे सामने है वो मेरा राम नहीं बल्कि उस चुड़ैल का रावण है। रावण इसका मतलब मैं अपने राम को वापस पा सकती हूँ। राजोदिश जी अगर मोहिनी ने मेरे राम की अच्छाई ली है तो हम उससे वापस ले सकते हैं, है ना राजोदिश जी? कोई तो तरीका होगा राम की अच्छाई वापस लाने का। माफ कीजिएगा कुमरानी साहब लेकिन इसमें मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। यहां पर किसी को भी नहीं पता कि कुवरसा की अच्छाई के साथ मोहिनी ने क्या किया। वो एक राज है, एक गहरा राज, किसी को भी नहीं पता ये गहरा राज। सिर्फ मैं ही जानती हूँ ये राज। और भूल मत कि तुम्हारे राणा की अच्छाई मेरे पास है।